फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 196:625 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का जो रेशियो होता है, ठीक है ना, A1 / A2 किसके इक्वल होता है, जो कोरस्पोंडिंग साइड है यानी साइड वन और साइड टू उनके स्क्वेयर के इक्वल होगा, ठीक है ना। साइड के रेशियो का स्क्वेयर कर दीजिए, किसके इक्वल आएगा, वो एरिया के रेशियो के इक्वल आएगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। तो यहां से क्या मिला, साइड वन बाय साइड टू का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, √A1/A2, ठीक है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, A1 की वैल्यू यानी फर्स्ट एरिया 196 दिया हुआ है और दूसरा एरिया 625, ठीक है ना। तो पहला जो एरिया 196 है इसका स्क्वेयर रूट कितना आ जाएगा, 14। 14 का स्क्वेयर 196 होता है और 625 का स्क्वेयर रूट 25, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया था साइड का रेशियो निकालिए, तो कितना आ गया, 14:25, 14:25, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है, किसके इक्वल है, 5 के, ठीक है। हमें टेंजेंट थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1/5 के, ठीक है ना। कैसे निकाला, फॉर्मूले से, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे A² - B² तो हम लिख सकते थे इसको सीकेंट थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहां से इसकी वैल्यू दी है 5, तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा हमने निकाल लिया। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये है सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे तो सीकेंट से सीकेंट कट जाएगा और टेंजेंट में से ये वाला टेंजेंट घटेगा जो कि माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यानी मेरे पास अब क्या आ गया, 2 tan θ, और घटाना क्या है, 5 - 1/5, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 25 - 1 = 24/5, ठीक है। किसकी वैल्यू आई है, 2 tan θ की, हमें निकालनी है टेंजेंट थीटा, तो 2 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12/5, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3 और 5 है, ठीक है। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या है, ए बी और सी, ठीक है। तो ये दो साइड बराबर है, ए बी और ए सी, ठीक है। ए से और तीसरी साइड क्या है, बी सी, ठीक है। तो ए बी या फिर ए सी, ठीक है, इसका जो रेशियो है BC के साथ कितना है, 3 और 5 है, ठीक है। तो BC की जो लेंथ है वो 5 का मल्टीपल होगी और AB या AC की जो लेंथ है वो 3 का मल्टीपल होगी, ठीक है। तो आप करिए क्या, यहां से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे तो ये BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, इस पॉइंट को D मान लीजिए, तो BD बराबर हो जाएगा DC, ठीक है। हमने शुरू में BC की लेंथ रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी मानी हुई है, 5, और AC की कितनी हो जाएगी, 3, और AB की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। लेकिन अगर मुझे H निकालनी पड़े, ये वाली HAD, ठीक है, तो DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, आधा, लेकिन ये पॉइंटों में आ जाएगी जो हमारी कैलकुलेशन को क्या करेगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो रेशियो दिया हुआ है 3 और 5, इसको 2 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 3 जो लेंथ थी वो कितनी हो गई, 6, और 5 वाली थी वो कितनी होगी, 10। तो यानी जो हमने 3 माना हुआ है कि AC कितना है, 3, वो कितना हो गया, 6, और AB भी 6 हो गया, और BC कितना हो गया, 10, और DC कितना हो गया, 5, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, रेशियो वाली वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू इन्हीं का मल्टीपल होगी, और मान लीजिए वो मल्टीपल वाला नंबर क्या है, x है, ठीक है। अब अगर मुझे h निकालना हो तो मैं h कैसे निकालूंगा, देखिए h निकालने के लिए क्या करिए, 6x, और इसका क्या करिए, स्क्वेयर कर दीजिए, यानी 36x² - 25x² √, ठीक है, कितना आ जाएगा, √11x, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है 1/2, ठीक है, एच एच यानी ये वाला हाइट इंटू बेस, बेस कितना है, बेस है 10x, 10x, ठीक है। किसके इक्वल आएगी, जो दिया हुआ है 30√11, ठीक है, √11 से √11 कट जाएगा, ठीक है, और 10 * 30, ठीक है। तो x² किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 6 के, तो यहाँ से x कितना आया है, √6 के, ठीक है ना। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, BC की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है शुरू में, ठीक है, ये है 10x, तो BC की वैल्यू निकालनी थी, BC की वैल्यू आ गई 10x, 10 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है, √6,
बीसी की वैल्यू पूछी थी, यानी तीसरी लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई वो कितना आ गया, 10√6। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने में बर्तनों का निर्माण तीन संयंत्रों ए बी और सी में किया जाता है। यदि कुल प्लेटें 3260 हैं तो संयंत्र बी द्वारा कितने प्लेटों का निर्माण किया गया था। ठीक है, देखिए तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं ए बी और सी। ठीक है, अगर जो 3260 प्लेटें तैयार की गई तो बी द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण किया गया, यानी कुल प्लेट दी हुई है। ठीक है ना, ठीक। अब देखिए हमें तो बी द्वारा निकालना है, ठीक है ना। तो जो ये ब्लू कलर है ये ए प्लांट को शो कर रहा है, ठीक है। ऑरेंज क्या है, बी को, और ग्रे जो है वो सी को दिखा रहा है। तो हमें तो ऑरेंज कलर देखना है। अब देखिए ऑरेंज कलर की परसेंटेज निकालो तो यहां से कितनी है, 60 और 20 का डिफरेंस, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 40%। ठीक है, हमें प्लेट से मतलब है, ऐसे तो प्लेट यहाँ पे है, ठीक है ना। ये मैं टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, प्लेट प्लेट की देखिए तो कितना है, 60 और 20, ये 40% आ गया, ठीक है ना। टोटल प्लेटें कितनी थी, टोटल प्लेट थी 3260, 3260, ठीक है। और प्लांट बी ने प्लेट कितनी बनाई है, 40%, किसका, टोटल का, ठीक है ना। तो 3260 का 40% कितना आ जाएगा, 3260 × 40/100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अगर मैं 300 की गुना 4 से करूंगा तो 1200, और 26 की 4 से 104, यानी 1304 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी प्लांट बी ने जो प्लेटें बनाई थी वो कितनी थी, 1304, यानी ऑप्शन जो सेकंड है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1/sin किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसिकेंट थीटा के, कोसिकेंट थीटा प्लस 1/tangent किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट थीटा के, कोटेंजेंट थीटा इनटू 1/sin फिर से कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट निकालेंगे तो a + b a − b, यानी a² यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत, यानी 2000 रुपए में अगर कोई वस्तु बेचता हूं तो उस पर कुछ प्रॉफिट होगा, उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के समान है। ठीक है ना, 20% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए बेचा जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस है, कुछ मुझे नहीं पता कितना कॉस्ट प्राइस है, लेकिन अगर मैं इसको कॉस्ट प्राइस से 2000 रुपये में बेच देता हूँ, यानी ये सेलिंग प्राइस है, अगर मैं 2000 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर इसी कॉस्ट प्राइस से आगे मैं इसको 1200 में बेचता हूँ तो जितना मुझे प्रॉफिट हुआ था उतना ही मुझे लॉस हो जाता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज जो है इक्वल है, ठीक है ना। तो दोनों अमाउंट इक्वल है तो हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, मीन वैल्यू, बीच की वैल्यू। तो बीच की कैसे लेंगे, 2000 और 1200 को मैं ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, 3200, 3200 को 2 से भाग करिए 1600, यानी मैं 1600 मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस है। 1600 की वस्तु को अगर मैं 2000 पे बेचूंगा तो मेरे पास कितने का प्रॉफिट आएगा, 400 का, और अगर 1200 में बेचूंगा तो लॉस कितने का आएगा, 400 का। और यहाँ से मैं प्रॉफिट परसेंटेज वैसे निकाल लूँ तो 25% आ रहा है प्रॉफिट, और यहाँ पे अगर मैं लॉस निकाल लूँ तो कितना आ रहा है, 25%, ठीक है। ये मैंने वैसे निकाल के दिखाया आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन को करते हैं, 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। यहाँ पे 1600 की वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया तो कितना लाभ कमाना पड़ेगा, देखिए यानी कितना लाभ कमाना पड़ेगा ये देखना है। तो 1600 का 20% मतलब 1600 का 20% हो गया, यानी अगर मैं 100 लगा के इसको काटूं तो 320 रुपये हो रहा है, ठीक है ना। 20% मतलब 320 का प्रॉफिट कमाना है, 1600 में 320 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1920, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है, तो ऑप्शन थर्ड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सी संख्या 7 से भाग होती है। 7 से भाग करने के लिए आपको क्या करना है, राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाना है, और जो डिजिट बच गए हैं वो पहले पेयर में से घटा देने हैं। यानी 973 में से मैं 24 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना रहेगा, 9 4 949 रह गया, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए, 7 से कट रहा है या नहीं, 7 × 7 7 × 21 फिर 39 आ जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन पहला गलत है। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में फिर से 3 डिजिट का पेयर और जो बच गया उसको घटाना है, तो 983 में से कितना घटाना है, 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 959, ठीक है ना, क्योंकि 10 बड़ा ही तो है, ठीक है ना। तो 959 को 7 से भाग करूंगा तो 7 × 7 = 21, 7 × 7 = 49, पूरा पूरा कट रहा है, तो मतलब ये वाला 7 से भाग होता है। तीसरे ऑप्शन में देखिए, वैसे चेक करना चाहिए कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना क्योंकि वो पूछ रहा है 7 से विभाजित, तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। अगर मैं चेक करना चाहूँ 963 में से 24 घटाना है, ठीक है, कितना आ जाएगा, 939, 939, ठीक है ना, 939 7 से भाग हो रहा है या नहीं, 7 × 7 = 21, 29 7 से नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ 93 है तो मतलब 969 आएगा, 969 7 से भाग हो रहा है या नहीं, 7 × 7 = 7, 2 = 26, 7 × 21 = 59 7 से नहीं होता, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। देखिए आप करिए क्या है, इसको एज इट इज रख लीजिए 2 sin 4x, ठीक है, क्योंकि ये कईयों में है, यानी sin 4x 2, यहाँ पे 4 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ से sin 4x 2, ठीक है, तो 2 sin 4x एज इट इज रखिए प्लस sin 6x प्लस sin 2x, ठीक है ना, मैंने इनका पेयर बना लिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, sin A + sin B, ठीक है, ये किसके इक्वल रहेगा, 2 sin A + B/2 cos A - B/2, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2, ठीक है, sin A + B, यानी 6x और 2x, 8x, 8x को 2 से भाग करूंगा तो 4x आ जाएगा, इंटू फिर किस में आ जाएगा, cos, डिफरेंस 6x में से 2x घटाऊंगा तो 4x, 2 से भाग करूंगा तो 2x, ठीक है, प्लस 2 sin 4x, 2 sin 4x कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 sin 4x कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा 1 + cos 2x, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 cos² x, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता, देखिए यहाँ पे माइनस होता तो ये साइन का फॉर्मूला बन जाता, ठीक है। तो ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 = 4 cos² x इंटू साइन 4x, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो 405 के साथ रेशियो है वाई का, फिर वाई का 125 के साथ है, तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 405 × 125, कैसे आया है, देखिए 405/y, ठीक है ना, क्योंकि 405 और वाई का रेशियो है समानुपात, यानी इसको इक्वल कर लीजिए वाई बाय 125, ठीक है ना। तो यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, वाई स्क्वेयर निकाला, तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट में 405 को लिख सकता हूँ, 5 से काटिए तो 81 × 5, ठीक है, गुना 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 25, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 81 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 9, और यहाँ से 2 5 है तो 1 बाहर आ जाएगा, गुना 25 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 5, तो 5 × 25 25 नहीं 225, ठीक है। तो यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, एक चोर का पीछा कर रहा है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है, तो यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, कौन है, चोर, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 600 मीटर, ठीक है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 8 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, यानी चोर तो है वो 8 किलोमीटर प्रति आवर, और जो चोर है वो भी सेम डायरेक्शन में दौड़ेगा, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। तो पूछा है कितने समय बाद वो चोर को पकड़ेगा, यानी टाइम कितना है मिनटों में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, 10 में से 8 घटा दीजिए, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2000, और आवर को किस में कन्वर्ट करूंगा, मिनट में, यानी 60 मिनट। अब मेरे पास ये स्पीड आई है, किसकी आई है, मीटर पर मिनट, ठीक है ना, जो कटता है उसको काट दीजिए, यानी 0 से 0 2 पे काटेंगे 100/3 आ जाएगा, ठीक है। मुझे टाइम निकालना है, टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के, डिस्टेंस, टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 100/3, 3 ऊपर आ जाएगा, 100 से कैंसिल करेंगे 6,
तो टाइम मेरे पास कितना आया, 18 मिनट आ गया। ठीक है ना, स्पीड को मैंने पर मिनट पहले कन्वर्ट कर लिया था, तो 18 मिनट हमारा आंसर आ गया। तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। अब देखिए 36 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 36 के फैक्टर बनते हैं 9 और 4, तो मतलब ये चारों में से जो संख्या 36 से भाग होगी वो 9 से भी भाग होगी, तो चारों का डिजिट सम निकालता हूं, तो कितना आ गया 7 और 2 9, तो 4 और 5 कितना आ गया 9 डिजिट सम आया। ठीक है, तो ये 9 से भाग हो रही है। दूसरे में देखता हूँ, 9 4 2 6 और 8 और एक 9, ये भी 9 से भाग हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 7 और 2 9, 4 और 5 9, इसका डिजिट सम 3 है, तो मतलब ये संख्या गलत है। ठीक है, ये 9 से भाग नहीं होगी। अब नेक्स्ट में देखिए कितना है, 15 और कितना है 10, 25। ठीक है, 25 9 से भाग नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। पहले दो ऑप्शन में से हमारा आंसर है। अब मैंने 9 के लिए तो चेक कर लिया, अब मैं 4 के लिए चेक करता हूँ। 4 के लिए कंडीशन क्या है, राइट साइड से फर्स्ट टू डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से भाग होने चाहिए। तो क्या 0 2 4 से भाग होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो ये पहला ऑप्शन गलत। पहले दो डिजिट दूसरे ऑप्शन में 4 है, मैं सॉरी 12 है, तो 12 क्या 4 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो मतलब हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही आंसर है, क्योंकि ये 9 से भी भाग हो रहा है और 4 से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, प्रेम 12 दिनों में कर सकता है, अमर से शुरू करके वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए जो अमर है वो काम को कितने दिन में करता है, 15 दिनों में। प्रेम जो है काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में मैं टोटल टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं एफिशियंसी लिखूंगा, और बीच में क्या आएगा टोटल वर्क। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वर्क मान लेता हूँ 15 और 12 का एलसीएम, जो कि कितना है 60। ठीक है, तो ए की एफिशियंसी कितनी आई, 15 दिनों में 60 यूनिट काम कर लिया, यानी 60 बटे 15, यानी 4 यूनिट। बी की एफिशियंसी कितनी आ गई, 5 यूनिट। ठीक है, अब वे अमर से शुरू करते हैं, अमर से शुरू करेंगे और पी तक, यानी अल्टरनेट डे पे, ए पी ऐसे अल्टरनेट डे पे वो काम करेंगे। अब अगर ए और पी की एफिशियंसी देखो तो कितनी है, 4 + 5, यानी 9 यूनिट है, और समय कितना लग रहा है इसमें, 2 डेज, यानी 9 यूनिट काम करने में समय लग रहा है 2 दिन का। ठीक है, तो काम कितना है 60, तो 9 के मल्टीपल में मैं 60 के करीब लेके जाऊंगा इसको, तो 9 6 का 54, यानी 54 यूनिट कितने दिन में हो गया, 54 यूनिट काम हो गया, 6 का यहाँ भी मल्टीपल होगा 12 दिन। ठीक है ना, 12 दिन में 54 यूनिट काम हो चुका है, बचा हुआ काम कितना है 6 यूनिट। अब 6 यूनिट को कौन करेगा, अरुण की बारी आ गई, सॉरी अमर की बारी। 12 दिन हो चुके हैं, 13वें दिन क्या है, 13वें दिन यानी 1 दिन और ऐड हो गया, 13वें दिन 6 में से उसने 4 यूनिट काम कर लिया, यानी बचा काम कितना है 2 यूनिट, क्योंकि ये 6 यूनिट काम करना था ना, 13वें दिन उसने 4 यूनिट काम करके 2 काम छोड़ दिया। अब इस 2 काम को कौन करेगा, प्रेम। प्रेम की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और काम कितना करना है 2, तो टाइम क्या आएगा, वर्क बटे एफिशिएंसी। ठीक है, तो 14वें दिन कितना, कितने दिन काम करेगा वो, 14वां दिन पूरा दिन काम नहीं करेगा, 2/5 हिस्सा करेगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, 12 दिन और एक 13 दिन, 13 सही 2/12 आ गया, सॉरी 13 सही 2/5 आ गया, माफ कीजिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी अकेले एक काम को 4 और 9 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है ना, ए और बी, ए कर सकता है 4 दिनों में और बी कर सकता है किसमें, 9 दिनों में, तो टोटल काम मैं एलसीएम मान लेता हूँ कितना 36। ठीक है ना, तो ए की एफिशिएंसी 9 यूनिट और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। ठीक है, यदि वे दोनों बी से प्रारंभ करते हैं करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब स्टार्टिंग किससे की है, बी से। ठीक है, बी से ए, फिर बी, फिर ए। अगर मैं फर्स्ट 2 डे देखूं, पहले 2 दिन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, बी ने किया 4 यूनिट और फिर ए ने किया 9 यूनिट, यानी 13 यूनिट काम हो गया, 13 यूनिट काम। अब 13 के मल्टीपल को मैं 36 के पास लेके जाता हूँ, तो 13 1 13 13 2 26, 13 3 39 39 ज्यादा हो रहा है, तो मैं 2 गुना लेके जाऊंगा, यानी 2 दिन में काम हो रहा है 13 यूनिट, तो 2 गुना कर दीजिए, 4 दिन में काम होगा 26 यूनिट, यानी 4 दिन हो चुके हैं और 26 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है 36 - 26, 10 यूनिट काम। अब बारी आती है बी की दोबारा से, यानी यहाँ भी 13 यूनिट काम हो गया और यहाँ भी 13 यूनिट काम, दोबारा बी की बारी आती है, 10 में से
बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो उसने 4 यूनिट काम कर लिया, यानी पांचवें दिन उसने 4 यूनिट काम कर लिया, तो काम कितना बच गया? 6 यूनिट। अब 6 यूनिट काम को ए करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो कितना समय लेगा? 6/9 यानी 2/3 समय लेगा। पहले कितना टाइम था? 4 और 1 5 दिन, 5 दिन प्लस 2/3, ठीक है ना? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 सही 2/3 डेज, ये मेरा आंसर। तो ऑप्शन तो सेकंड है, वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 रुपये प्रति केजी और 150 रुपये प्रति केजी कीमत वाली दो दाल एक्स और वाई को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो इन दालों के इस मिश्रण की कीमत क्या होगी? देखिए, 100 कीमत किसकी है? एक्स दाल की, और वाई की क्या है? 150, ठीक है ना? इन दोनों को किस मिश्रण में मिलाया गया है? रेशियो क्या है? 7:20, ठीक है ना? तो मैं मान के चलता हूं ये एक्चुअल वैल्यू है। तो एक्स दाल का कीमत क्या हो गई? देखिए, 7 केजी कीमत है और 100 रुपए का रेट है, तो 700 रुपए। और यहां से कितना रेट बना? 150 रुपए का रेट था और 20 केजी दाल थी, तो 3,000 रुपए, ठीक है? तो मिक्सचर का रेट पता करना है। मिक्सचर का रेट वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे टोटल कीमत 3,700 यानी 3,700 बटे टोटल अमाउंट। 20 केजी और 7 केजी कितना हो गया? 27 केजी, ठीक है? इसको सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, 3,700 और नीचे 27 है, 27 का जो यूनिट डिजिट मतलब डिजिटल सम है, डिजिट का सम है, वो 9 आ रहा है, लेकिन 3,700 9 से भाग नहीं होता, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, और ऑप्शन में कोई भी डेसिमल नहीं है, देखिए डेसिमल नहीं है, तो मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। 700 है ना, 3,700 है, 3,699 कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि 3,700 का डिजिट सम 3,700 का 10 आ रहा था, तो एक डिजिट सम मैंने घटा दिया। तो अब देखिए इसका डिजिट सम कितना आया? 9, 9 और 9। अब ये पूरी तरह 9 से भाग हो रही है, ठीक है ना? संख्या तो 9 से भाग करूंगा, 9 चौका 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और इसको काटूंगा, 9 थिया 27, फिर 3 पे काटूंगा, 3 एकम 3, 3 थिया 9, 3 सते 21। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 137, ठीक है ना? बाकी की जो अमाउंट है, देखिए एक नंबर मैंने कम किया था एक, ठीक है ना? 3,700 की जगह 3,699 किया, उसके बावजूद भी सबसे बड़ा हमारा जो ऑप्शन है 137 वही आ रहा है, ठीक है ना? बाकी के जो और ऑप्शन है 134, 135, 136 वो छोटे हैं, तो 137 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू -6 दिया हुआ है, ठीक है? और हमें x की पावर 5 -1/x की पावर 5 का मान निकालना है। देखिए, x की पावर 5 -1/x की पावर 5, ठीक है ना, किसके इक्वल होता है? x² + 1/x² इंटू x³ - 1/x³, ठीक है ना, -x - 1/x, ठीक है ना? इसके इक्वल होता है, ये क्या है? फॉर्मूला, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमें इस तरह से कोई वैल्यू दी हुई है, मतलब x-1/x कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे माइनस का 6 दिया हुआ, मैं इसको k मान लेता हूं, और हमें ये ऐसा नहीं है कि माइनस में, अगर ये प्लस में भी होती, अगर मान लीजिए माइनस की जगह प्लस होता, ठीक है, और उसको मैं मान रहा हूँ k, और हमें निकालनी हो x की पावर -1/x पावर या फिर प्लस में ये वैल्यू निकालनी हो, तो जो आंसर आएगा वो k का मल्टीपल होगा, ठीक है ना? k का मल्टीपल कैसे बोल रहा हूं मैं? अब देखिए, माइनस से पॉजिटिव x² + 1/x² का वैल्यू क्या रहेगा? k² + 2, ठीक है? और यहां पे क्या रहेगा? k² + 3k, माफ कीजिए ये क्यूब है, k³ + 3k, माइनस का ये k तो दिया हुआ है। अब देखिए यहां से k कॉमन आएगा और यहां से, ठीक है? तो यहां से के कॉमन आ गया, अंदर कुछ भी टर्म बचे, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर रहेगा के का मल्टीपल रहेगा। अब यानी हमारा जो के है वो कितना है? -6। अब इसका मल्टीपल कैसे हो सकता है? ये माइनस को भूल जाइए, 6 2 और 3 से कटता है, यानी 6 के फैक्टर 2 और 3 है, मतलब हमारा जो आंसर है वो 2 और 3 से भाग होगा। तो पहले मैं 3 के लिए चेक कर लेता हूँ, तो 8 3 24, 9 24 और 9 33, यानी ये 3 से भाग हो रहा है, ठीक है? डिजिट सम कितना है? 33। अब सेकंड ऑप्शन में देखिए, 9 और 6 15, 15 और 16 31, 3 से भाग नहीं होता, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है? थर्ड में देखिए, 24 और 6 30, कटता है, ठीक है? उसमें लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए, 16 और 2 18 और 9 27, ये भी 3 से भाग हो रहा है। अब जो 3 ऑप्शन मैंने रखे हैं, पहला, तीसरा और चौथा, आप उसमें नोटिस करोगे डिजिट सम तीनों में अलग अलग है, यूनिट डिजिट 8 6
और दो। अब इस क्वेश्चन को आपको यूनिट डिजिट से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में अलग अलग है, तो दो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, के स्क्वेयर प्लस टू, के की वैल्यू कितनी है, माइनस का छह, माइनस का छह का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा, 36, 36 प्लस तो 38 गुना। आप इसकी वैल्यू निकालिए मत, आप याद रखिए, ठीक है ना, 2 से लेके 10 तक वैल्यू याद रखिए। अगर के की वैल्यू 6 है, हालांकि यहाँ तो माइनस का 6 है, अगर 6 है तो ये इसकी वैल्यू आती है 234, ठीक है ना, डायरेक्ट याद रखिए। लेकिन के की वैल्यू 6 न होकर के माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो -6 किसकी वैल्यू है, के की, तो मुझे x³ -1/x³ की वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, टेबल से आप याद रख लीजिए। तो माइनस का 234 माइनस आगे लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये वाला माइनस माइनस k की वैल्यू कितनी है, ये k की वैल्यू है माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम डिजिट सम लगाएंगे, देखिए 8 चौके 32, यूनिट डिजिट क्या है, 2, ठीक है, माइनस का प्लस का 6। अब देखिए माइनस वाली टर्म बड़ी है, लेकिन यहाँ देखने में लग रहा है ये तो 2 है, छोटा है, जी नहीं, जब घटाएंगे माइनस का जो 2 है वो बड़ी संख्या है, ठीक है ना, जो बड़ी संख्या है तो 2 क्या करेगा, आगे से एक कॉमन ले लेगा, ठीक है ना, घटाते वक्त जब कोई डिजिट छोटा पड़ जाता है तो वो अपने से अगले वाले डिजिट से कॉमन ले लेता है, ठीक है। तो एक हासिल लिया तो कितने हो गए, 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, वो भी माइनस का, यानी हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में रहेगा, और पहला यूनिट डिजिट क्या रहेगा उसका, 6, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बार चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए बार चार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्स वाई जेड फोन है उनकी बिक्री को दिखा रहा है अलग अलग साल में। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 2019 से 20 तक एक्स वाई जेड की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2019 में 18 फोन बिके थे, ठीक है, और 2020 में 40, ठीक, तो कितनी इंक्रीज हुई है बिक्री, ठीक है, उसको प्रतिशत में निकालना है। तो कितना हुआ है, 40 माइनस 18 यानी 22, 22 बढ़ गई है किसके कंपैरिजन में, 2019 में 18 हुई थी, ठीक है। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 11, यहाँ से 2 पे काटेंगे 9, यानी 11/9 किसके इक्वल आ जाएगा, 9 एकम 9, 2 बचा तो 0 लगाएंगे, 9 दूनी 18, 2 बच गया, फिर से 2 9 दूनी 18, फिर से 2 बचा, फिर से 2 बचता ही रहेगा आगे, ठीक है, गुना 100, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 122.22%, ठीक है ना, ये मेरा आंसर आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है, यानी जो मैन है, ठीक है ना, मैन पावर है, मैन है, उसका 48% यानी 48/100 किसके बराबर है, जो वुमेन है उसकी संख्या के 2/3 के, और हमें कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना है, यानी मैन और वुमेन का रेशियो बताना है, ठीक है। तो जो करता है वो काटिए, 2 पे काटेंगे 24, 4 पे कट जाएगा, 4 6 24 25, ठीक है ना, तो मैन बाय वुमेन किसके इक्वल आ जाएगी, तो ये 5 इधर चला जाएगा, तो 25 डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 18, ठीक है ना। मैन अगर 25 है तो वुमेन कितनी है, 18, यानी रेशियो क्या आ गया, 25:18, ठीक है ना, ये मेरा आंसर है, तो लास्ट ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी 19 के इक्वल है और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 155 के इक्वल है, तो हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 19 के, तो मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर देता हूँ, मैं दोनों तरफ स्क्वेयर करूंगा तो यहाँ से मेरे पास 19 का स्क्वेयर 361 आ जाएगा, और इस फॉर्मूले को खोलूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 155, ठीक है ना, 155, तो ये इधर जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी, तो 361 माइनस 155 कितना आ जाएगा, 206, 206 इक्वल आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, 2 से और काट दीजिए, ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 103, ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू 103 आ गई, राइट। अब देखिए हमें निकालना क्या है, जो हमें निकालना है यानी इसकी वैल्यू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस AB माइनस BC, यानी मैं -1 ले रहा हूँ कॉमन, तो -AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है ना,
इसके इक्वल होता है, यानी ऊपर वाली जो टर्म जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये इसके इक्वल है। बस करना क्या, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है 155 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है अभी निकाली है 103, ये 155 है, 103 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुना, डिफरेंस कितना आएगा 52, ठीक है ना, 52 दूनी 104, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3600 रुपए पर 35% की छूट, यानी एक डिस्काउंट तो ये है D1 और दूसरा डिस्काउंट है समान राशि पर 30% और 15% की दो क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है तो इन दो डिस्काउंट से मैं एक डिस्काउंट कैसे बनाऊंगा, फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें पता होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है -30, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्काउंट को, ठीक है। वाई की वैल्यू है 5%, यानी माइनस का 5, जब गुना करूंगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 30 × 150 1.5 आ गया, ठीक है ना। तो यहां से कितना आया, माइनस का 30 और माइनस का 5, माइनस का 35 और प्लस का 1.5 जोड़ेंगे तो -33.5 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस को हटा दीजिए क्योंकि ये डिस्काउंट है, माइनस का मतलब डिस्काउंट था, तो मैंने ये इसको 33.5 रख लिया, ठीक है। अब दूसरा D2 कितना आया है 33.5, ठीक है। तो इन ये दो क्रमिक छूट है D1 और D2, ठीक है। तो इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, कितना डिफरेंस है दोनों का, अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा 1.5%, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर देख सकते हो आप परसेंटेज में नहीं है, ठीक है, टोटल अमाउंट का 1.5% है, तो अमाउंट पूछी है, यानी 3600 का 1.5%, 1.5% यानी 1.5 by 100, ठीक है ना। आप करिए एक डेसिमल हटा के 10 और लिख दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, 2 पे 18 18 3 54, 54 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा और रोकी मिलकर पेंटिंग का काम 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे दोनों मिलकर पेंटिंग शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद रोकी बीमार पड़ जाता है और काम छोड़ देता है। देखिए आर फॉर राजा और आर ओ मतलब रोकी, और फिर दोनों ने मिलकर काम किया, ठीक है ना। वो काम को कितने दिन, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 5 दिन में। तो यानी दोनों अगर 5 दिन में काम कर देते हैं तो इसमें रोकी ने कितने दिन काम किया जी, 5 दिन काम किया, और राजा ने कितने दिन काम किया, उसने भी 5 दिन काम किया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 दिन के बाद रोकी बीमार पड़ गया। अब कितने दिन के बाद रोकी बीमार पड़ा है, टोटल काम उसको 5 दिन करना था लेकिन उसने 2 ही दिन काम किया, तो यानी 2 दिन के बाद उसने काम छोड़ दिया, तो उसका काम कितना बचा हुआ है, 3 दिन का, 3 दिन का काम उसका बचा हुआ है। और यहाँ पे राजा को देखिए, राजा ने भी क्या किया, राजा अभी बीमार नहीं पड़ा है लेकिन उसने 2 दिन का काम तो कंप्लीट कर लिया, अभी भी उसका उसका भी कितने दिन का काम बचा हुआ है, 3 दिन का। यानी जब रोकी बीमार पड़ने के कारण उसने काम छोड़ा तो राजा और रोकी का काम कितना बचा हुआ था, दोनों का 3 3 दिन का काम बचा हुआ था। अब आगे स्टेटमेंट में क्या बोला है वो देखिए, यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है तो रोकी अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। अब ये जो शेष काम है, ठीक है, ये वाला, ये रोकी ने, सॉरी रोकी तो खेल छोड़ चुका है, मतलब काम करना छोड़ चुका है, राजा ने इस काम को 4 दिन में किया, ठीक है ना, 4 दिन में इस काम को पूरा किया। अब देखिए 4 दिन में से 3 दिन तो उसको अपना खुद का काम करने में लग गए, ठीक है ना, और जो 1 दिन था वो 1 दिन में उसने क्या किया, रोकी का जो 3 दिन का काम था वो कंप्लीट कर दिया। मतलब राजा ने अपना, मतलब 1 दिन खर्च करके, राजा ने 1 दिन खर्च करके रोकी के 3 दिन का काम कर दिया, इसका मतलब राजा की एफिशिएंसी रोकी की एफिशिएंसी का 3 गुना है, ठीक है ना, राजा की एफिशिएंसी रोकी की एफिशिएंसी का 3 गुना है। अब देखिए शुरू में पहली लाइन क्या बोली गई है, दोनों मिलके काम को 5 दिनों में करते हैं, यानी आर प्लस आर ओ दोनों मिलके काम को 5 दिन में कर रहे हैं, और हमें रोकी के बारे में निकालना है कि वो काम कितने दिन में करेगा। देखिए राजा की एफिशिएंसी को मैं यहाँ पे रखता हूँ, राजा की एफिशिएंसी कितनी है, 3 गुना रोकी के प्लस 1 रोकी, ठीक है ना, कितने आ जाएंगे, 5 दिन, यानी 4 रोकी मिलके काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो 1 रोकी कितने दिन में करेगा, ज्यादा दिन में करेगा, यानी 1 रोकी करेगा 5 चौके 20 20 दिन, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए इज इक्वल टू -3/5 है और ए जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तो सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नेगेटिव को तो आप भूल जाइए क्योंकि ये नेगेटिव लगा है क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, 3/5 है। ठीक है, नेगेटिव तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब ट्रेंगल मैं बनाता हूँ, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, या साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर 3 है तो करण कितना आएगा, 5, और बेस पाइथागोरस थ्योरम से सिंपल सा ट्रिपलेट है, 3 4 5, ठीक है इसको याद रखिए, तो बेस क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सीकेंट ए, सीकेंट ए किसके इक्वल आता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ए, ठीक है यानी 5/4। ठीक है, अब चूंकि सीकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, क्योंकि बात किसकी चल रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट भी नेगेटिव होता है तो -5/4 आएगा, ठीक है ना, तो -5/4 ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रम से 5 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, यानी ए है, ए और बी एक काम को 5 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, 10 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क, और राइट हैंड साइड में ये क्या है, टोटल टाइम। एफिशिएंसी क्या आएगी, ए की एफिशिएंसी क्या आई है, उसने 10 यूनिट काम को 5 दिन में किया तो ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी क्या है, 10 दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है तो 1 यूनिट एफिशिएंसी। ठीक है, और पूछा क्या है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, मतलब काम तो शुरू किया लेकिन उसके बाद उन्होंने काम को छोड़ दिया, यानी ए और बी काम कुछ दिन तो हुआ, कुछ दिन हुआ है, मुझे ये नहीं पता कितने दिन हुआ है, ठीक है, और जो शेष काम बचा यानी बी ने शेष काम 8 दिनों में पूरा कर लिया तो ए ने कितने दिन बाद, ए कितने दिन बाद चला गया। देखिए अगर बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ये बात तो पक्की है कि उसने 8 दिन में, 8 यूनिट काम किया होगा, ठीक है ना, बी ने अकेले ने बचा हुआ काम अगर 8 दिन में पूरा किया है और बी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 8 दिनों में उसने 8 काम किया होगा, टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल काम है हमारे पास 10 यूनिट, तो 8 घटा दीजिए तो बचा कितना, 2 यूनिट काम, तो 2 यूनिट काम किसने किया, ए और बी ने दोनों ने मिलके, अब ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, 2 यूनिट, अब हमें 2 यूनिट पता चल गया, तो हमसे तो ये टाइम पूछा है, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे काम कितना किया बटे एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, बी की और ए की दोनों को जोड़ूंगा 3 यूनिट, डिनोमिनेटर में दोनों की एफिशिएंसी लिखी यानी 3, यानी कितना समय आ गया, 2/3, ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो नाविक की जो चाल है यानी स्पीड है, मैं उसको SN लिख लेता हूँ, ठीक है, वो धारा के अपोजिट जा रहा है तो स्ट्रीम जो है वो घटेगी यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना, तो तब कितने किलोमीटर की दूरी तय की उसने, 144 की, कितने घंटे में, 12 घंटे में, तो 144/12 यानी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गई। दूसरी क्या है, जबकि धारा के अनुकूल यानी जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में बहने पर यानी डिस्टेंस तय करने पर उसे सेम दूरी तय करने पर 9 घंटे लगे, ठीक है, तब क्या होगा, जब नाविक तैर रहा होगा तो वाटर की जो स्पीड है वो मतलब पानी का जो बहाव है नाविक नाविक को जाने में सपोर्ट करेगा, धक्का लगाएगा, तो ये हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ नाविक है उसके अंदर स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाएगी, ठीक है, दोनों मिलके सेम डिस्टेंस को 144 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय कर रहे हैं, तो ठीक है, तो स्पीड क्या आ जाएगी, 144/9 यानी 16 में 144, तो 16 किलोमीटर पर हावर आगे स्पीड, ठीक है, ये है दूसरी इक्वेशन। पूछा क्या है, पूछा है धारा की गति क्या है यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है ये वाली, तो यानी 2 नंबर की इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट नंबर की इक्वेशन को घटा दूं तो मेरे पास 2 टाइम ऑफ स्ट्रीम स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी, 16 - 12 यानी 4, तो धारा की स्पीड कितनी आ गई, 4/2 यानी 2 किलोमीटर पर हावर आगे, ये मेरा आंसर है, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का सम, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना, तो एक मतलब परिमाप किसके इक्वल आ जाएगा, 3 एक किसके इक्वल है, 48 सेंटीमीटर,
तो यहां से एक साइड की क्या वैल्यू आ गई, तो 48/3 यानी 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या आ गई, 16 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है, अंडर रूट 3/4 a² ये होता है। तो अंडर रूट 3/4 a² मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 16, 16 × 16, ठीक है, एक 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 16 चौक 64, 64 से ही अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 पेन 12 पेंसिल की कीमत 790 रुपये है, ठीक है ना। 32 पेन प्लस 12 पेंसिल, ठीक है ना, पेंसिल इसकी कीमत कितनी है, 790। हमसे पूछा है 8 पेन प्लस 3 पेंसिल की कीमत क्या होगी, हमसे पूछा है कि इनकी कीमत क्या होगी। अब देखिए अमाउंट कितना घटी है, अमाउंट जो है 32 से 8 हो गई, यानी 4 गुना घट गई, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हुआ है, 12 से 3 हो गई, ठीक है ना, पेंसिल की जो संख्या थी वो 12 से 3 हुई है, तो 4 गुना घट गई, तो अमाउंट भी 4 गुना ही घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालेंगे, पूरी अमाउंट को 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, ठीक है। तो 197.5 ये हमारा आंसर आ गया, यानी सेकंड ऑप्शन सही आंसर है।